बड़वानी से मैरिज गार्डन सहित एसोसिएशन के लोगों द्वारा सांसद को सौंपा ज्ञापन करी मांग, बेरोजगार ना हो जाए शासन द्वारा शासन की गाइडलाइन के अनुसार दी जाए परमिशन। सांसद ने कहा, करेंगे प्रयास सभी का चलता रहे रोजगार। बड़वानी, बढ़ते कोरोना के बीच मैरिज गार्डन, हलवाई, बैंड बाजा सभी के रोजगार फिर प्रभावित होने की कगार पर आ गए। प्रशासन द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक आयोजनों पर रोक के आदेश के बाद अब इन लोगों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, जिसको लेकर आज एसोसिएशन के लोगों द्वारा सांसद को ज्ञापन देकर रोजगार की मांग की, जिस पर सांसद ने उन्हें आश्वस्त किया है कि ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनके रोजगार प्रभावित ना हो। बढ़ते कोरोना के कारण शासन की गाइडलाइन का पालन जरूरी है, लेकिन इनके रोजगार को भी ध्यान में रखा जाए और ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि इनका रोजगार चलता रहे। प्रशासन, स्थानीय शासन के द्वारा माननीय जिलाधीश महोदय को भी अवगत कराएंगे, आपसे भी हमारा विशेष अनुरोध है। जीतन भैया, ज्ञापन देना है, क्या क्या मांग रहे हैं? वेडिंग एसोसिएशन जिला बड़वानी के समस्त वेडिंग से संबंधित हलवाई, कैटरिंग वाले, टेंट वाले, घोड़े वाले, बाजे वाले, साउंड वाले, लाइट वाले, डेकोरेशन वाले, फूल वाले, ये सभी एकत्रित होकर हम सांसद महोदय के पास एक ज्ञापन लेके आए थे, जिसमें हमने ये बताया कि पिछले वर्ष भी COVID-19 के महामारी के कारण हमारे सभी लोगों के व्यापार में प्रभावित हुए थे और इस वर्ष भी स्थानीय शासन के द्वारा लिमिटेशन कर दी गई थी। नंबर ऑफ मेंबर संख्या के आधार पर शादी ब्याह करने का निर्णय लिया गया था। इसी तारतम्य में हम सभी एसोसिएशन के लोगों के द्वारा आज जो ज्ञापन दिया माननीय गजेंद्र सिंह पटेल के, तो उसमें ये बताया कि हम जितने भी लोग हैं वो छोटे व्यापार से जुड़े हैं और इस व्यापार में बहुत ही छोटा व्यक्ति जुड़ा है, जिसका घर शादी ब्याह होने के बाद ही अपने पूरे वर्ष चलता है। ऐसे लोग इस महामारी के कारण प्रभावित हुए हैं, पिछले वर्ष भी हुए थे, और इसमें नंबर ऑफ मेंबर संख्या बल पर जोर देकर उन लोगों को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करें जो लोग वास्तव में इस महामारी के कारण प्रभावित हुए हैं। ऐसे छोटे लोग आगे बढ़ें और उनको हम व्यवस्था दें। मांगलिक भवन होने के नाते हम सभी लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं और इस तारतम्य में हमने उन्हें निवेदन करके आग्रह किया है कि हमारी छोटी सी मांगों को स्वीकार करें और हमें अवगत कराएं। भैया, वेडिंग एसोसिएशन वाले आए, क्या कारण? अब जैसे सबको मालूम है कि कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी हमारे देश में है और जिसका प्रकोप आम जन पर पड़ भी रहा है, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार और गृह मंत्रालय ने बहुत सारी गाइडलाइन जारी करी है कि सीमित संख्याओं में आयोजन और कार्यक्रम होना चाहिए, ये स्वाभाविक है कि पिछले एक साल में जो कोरोना महामारी का जो समय रहा उसमें देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आग्रह पर इस प्रकार के सभी एसोसिएशन वालों ने काफ़ी मदद करी, वो घोड़े वाले हो, बैंड बाजे वाले हो, कैटरिंग वाले हो, भोजन बनाने वाले हो, रेस्टोरेंट वाले हो, जिन्होंने इस पूरे साल भर में सरकार के अनुरूप मदद भी करी और इस लॉकडाउन में पालन भी किया। परंतु परिस्थितियाँ बदल रही है, कोरोना का संक्रमण अब तेज़ी से भी फैल रहा है, फिर भी सरकार ने गाइडलाइन को जारी करी और इनकी डिमांड है कि कोई शिथिलता बरती जाए जिससे बेरोजगार न होने का अवसर मिले। वो स्वाभाविक है कि सरकार भी इस मामले में चिंतित है। एक डेलीगेशन ने ज्ञापन मुझे जरूर दिया है, मेरा प्रयास है कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार और लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार कोई रास्ता बीच का निकलना चाहिए, जिससे आम लोगों की शादियाँ भी सीमित संख्या में हो सके, लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रोजगार मिल सके जिसका उनका घर की आजीविका चल सके। इसलिए उसका प्रयास हम करेंगे। निश्चित तौर पर हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता की क्या सुविधा हो सकती है, न बीमारी लगे न उनका कोई जान की कोई हानि हो, और फिर भी सोशल डिस्टेंस करते हुए, सोशल मास्क लगाते हुए हम इसका भी पालन करते हुए उसका कार्यक्रम हम कर सकें, ऐसा हम कुछ सामंजस्य बिठाने के लिए कुछ न कुछ काम करने वाले हैं। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।